हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर ऑनलाइन क्लासेस जसमीत क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है, मैं हूँ सोनिया। तो हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है साइंस की, जिसमें हम साइंस को 10th क्लास की जो साइंस है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। वहाँ पे मैंने अभी तक आपके 3 मॉड्यूल करवा दिए हैं, आपके सिर्फ 4 मॉड्यूल रिमेनिंग है। हमारा ही एक लौता चैनल है जो आपको पूरा सिलेबस विद क्वेश्चंस करवा रहा है, मतलब थ्योरी तो करवा ही रहा है, उसके साथ क्वेश्चंस भी आपको बताए जा रहे हैं और कैसा एग्ज़ाम आएगा वो बताया जा रहा है। तो ऐसे ही मैं आपके साथ, क्योंकि आपके एग्ज़ाम की डेट आ गई है, आपको पता ही होगा डेट शीट, अब मैं आपका स्टार्ट करने वाली फिजिक्स। और आपका ये एग्ज़ाम होने वाला है 22 अक्टूबर 2019, मतलब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बना है, 1 मंथ या थोड़े से उससे ज़्यादा डेज बचे हैं। कुछ डेज तो आप रिविज़न में भी खराब करो, तो अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ मान के चलो, वैसे तो 1.5 मंथ है, बट हम 40 डेज मान के चलते हैं। उन 40 डेज में आपका जो पहले ये रहेगा, एग्ज़ाम कितने मार्क्स खाने वाला है, सबसे बड़ा क्वेश्चन आपको ये पता होना चाहिए एग्ज़ाम कितने मार्क्स खाएगा। आपका जो टोटल एग्ज़ाम आएगा वो आएगा 80 मार्क्स का। 80 मार्क्स में 70 मार्क्स के तो आपके आएंगे ये वाले मॉड्यूल, अभी बताती हूँ कौन कौन से मॉड्यूल, और 10 मार्क्स के आते हैं ऑप्शनल मॉड्यूल। ऑप्शनल मॉड्यूल कौन से होते हैं, आपके 4 मॉड्यूल होंगे, जिसमें से आपके 2 मॉड्यूल आपको दिए जाएंगे कि 2 मॉड्यूल में ऑप्शन दिया जाएगा, आपको उन दोनों में से एक मॉड्यूल अटेम्प्ट करना है। मतलब अभी एक बार सिलेबस को डिस्कस करते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो मतलब टोटल जो आपका पेपर रहेगा वो क्या रहेगा, 80 मार्क्स का रहेगा। तो उसके बाद पहले देख लेते हैं कि आपके कितने मॉड्यूल्स हैं और डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है मार्क्स का, उसके बाद ही मैं आपको एक एक मॉड्यूल करके फटाफट से सिलेबस ख़त्म करवा दूंगी, उसके बाद ताकि हम सैम्पल पेपर या फिर कोई जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या जो भी आपकी क्वायरी है उसके बाद उस वीडियोस पे काम कर सकें। तो सबसे पहला अगर मैं मॉड्यूल नंबर की बात करूं, पहले टोटल मॉड्यूल जो रहेंगे इसके अंदर आपके 8 मॉड्यूल्स रहेंगे। इन 8 मॉड्यूल्स के अंदर से आपका जो आने वाला है पेपर वो 70 मार्क्स का आने वाला है। जो ये 8 मॉड्यूल हैं इसके अंदर से जो आपका एग्ज़ाम आएगा वो 70 मार्क्स का आएगा। जो फर्स्ट मॉड्यूल है इनके अंदर बहुत सारे चैप्टर्स हैं, तो अगर मैं यहाँ पे चैप्टर लिखती तो ये पूरा बोर्ड भर जाता, पर चैप्टर नहीं कवर होते, इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ पे मॉड्यूल्स मॉड्यूल्स के नाम लिखे हैं। फर्स्ट मॉड्यूल है जिसके अंदर आप मोशन, फोर्स एंड एनर्जी के बारे में पढ़ोगे। ये मॉड्यूल आपका 10th क्लास की जो सीरीज़ है मैंने वहाँ पर भी करवाया हुआ है, तो ये आपका मतलब वही इसी तरह का मॉड्यूल है। क्या मॉड्यूल रहेगा, मोशन, फोर्स एंड एनर्जी। और जो मॉड्यूल रहेगा आपका सबसे ज़्यादा मार्क्स का, 14 मार्क्स का ये मॉड्यूल रहेगा आपका। उसके बाद आ जाएगा आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के अंदर पहले फर्स्ट मॉड्यूल के अंदर हम देखो मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन कितने तरह का होता है, फोर्स कौन सी होती है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, और एनर्जी क्या होती है आपकी, टाइप्स ऑफ एनर्जी, ये आ जाता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के अंदर आ जाएगा आपकी जो ये बर्नौलीज़ थ्योरम है, स्ट्रेस स्ट्रेन, ये वाला मॉड्यूल रहेगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, और ये कितने का आने वाला है, 8 मार्क्स का आपका आएगा। हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स, थर्मोडाइनमिक्स के अंदर 0 लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, ये सारा प्रोसेस आने वाला है आपका। ये कितने मार्क्स का रहेगा, 6 मार्क्स का। उसके बाद आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वाले टॉपिक्स वही हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ये टाइप ऑफ चार्जेस, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एसोसिएशन ऑफ चार्ज, ये सारा ही मतलब आपका इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आने वाला है। और मैग्नेटिज्म के अंदर आपका आ जाएगा लेफ्ट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हम सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को करेंगे इसके अंदर। तो ये आपका रहेगा 14 मार्क्स का, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म दोनों मिला के रहेंगे 14 मार्क्स का। उसके बाद आ जाएगा आपका ऑसिलेशन एंड वेव्स, वेव्स के बारे में पूरा आपका आएगा, और ऑसिलेशन, पीरियोडिक मोशन, हार्मोनिक मोशन, ये सारे इसके अंदर कवर हो जाएंगे, ये आएंगे आपके 6 मार्क्स के। ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिक्स आपका सारा आता है ऑप्टिक्स के अंदर, जो आपकी है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, आपका इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, ये सारा का सारा आपका इसके अंदर था। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यानी कि जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये सब आ जाते हैं। तो ये आपका रहेगा 6 मॉड्यूल जो कि आने वाला है 8 मार्क्स का। उसके बाद आ जाएगा आपका एटम एंड न्यूक्लियर, जिसमें से बहुत ही पेट क्वेश्चन है, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने किया, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किसने किया, ये वाला जो चैप्टर आएगा वो आपका आएगा 7 मार्क्स का। लास्ट बट नॉट लीस्ट उसके बाद आ जाते हैं आपके सेमीकंडक्टर, जिसमें से आपको पता है कि कंडक्टर्स कौन से होते हैं जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास कर देती है, और इंसुलेटर कौन से होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती, उसी के बीच की स्टेट के होते हैं सेमीकंडक्टर। वो पूरा एक चैप्टर है जिसके अंदर ट्रांजिस्टर्स आ जाएंगे सारे आपके, वो चैप्टर आएगा आपका 7 मार्क्स का। तो ये टोटल जो 8 मॉड्यूल है जिसमें से आपका क्वेश्चन क्या आने वाला है, 70 मार्क्स का पेपर आने वाला है।
उसके बाद ये बात करते हैं पार्ट बी की। इसी तरह से आपका लिखा आएगा, यहाँ पे लिखा आएगा सेक्शन वन या पार्ट वन। सेक्शन लिखा आता है, सेक्शन ए जो 70 मार्क्स का होगा, इसके अंदर एक एक दो दो क्वेश्चन में चॉइस होगी। और ये रहेगा आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर क्या है, आपके फोर मॉड्यूल है। ये तो 70 मार्क्स का होगा, 70 प्लस 10 लिखे मैंने यहाँ के, मतलब कि ये जो सेक्शन बी है वो 10 मार्क्स का होगा आएगा। उसके अंदर आपके चार मॉड्यूल हैं। चार मॉड्यूल्स में सबसे पहले क्या आ जाता है, एस्ट्रोफिजिक्स, वन ऑफ माय फेवरेट। इसी में मैंने एस्ट्रोफिजिक्स में ही मैंने एमएससी की हुई है। तो एस्ट्रोफिजिक्स बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में जब हम डील करते हैं तो एस्ट्रोफिजिक्स डील करता है स्पेस रिलेटेड स्टडी को, जो जिसके अंदर आप स्पेस से रिलेटेड जो स्टडी होती है वो करते हो। ब्लैक होल के बारे में भी आप सर्च कर सकते हो, मतलब बहुत ही वाइड एक टॉपिक है ये एस्ट्रोफिजिक्स। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाती है आपकी, जिसके अंदर आप कंडक्टर, इंसुलेटर, ट्रांसिस्टर्स के बारे में बात करते हो। उसके बाद फोटोग्राफी एंड ऑडियो वीडियोग्राफी आ जाएगी। और फिर उसका आ जाएगा कि मेडिकल साइंस में फिजिक्स का क्या रोल है। ये जो सेक्शन आएगा उसके अंदर आपका दो ऑप्शन होंगे, मतलब एक मॉड्यूल आएगा 10 मार्क्स का। वैसे तो ये सारे मॉड्यूल ही 10-10 मार्क्स के हैं, सारे के सारे मॉड्यूल, मतलब 40 मार्क्स के हैं। इसमें से आपको कोई भी दो मॉड्यूल के अंदर से क्वेश्चन आ जाएंगे, जैसे एक तो ये मॉड्यूल दे देंगे, एक ये वाला मॉड्यूल दे देंगे। आपके पास चॉइस होगी, आप इन दोनों सेक्शन में से कोई भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैं जब आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी तो आप ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे कि मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो आपके पास चॉइस होगी, आप दोनों में से कोई भी मॉड्यूल का कोई भी पोर्शन एक अटेम्प्ट कर सकते हो सेक्शन बी में। सेक्शन में ए में आपको इतनी चॉइस नहीं रहेगी, सेक्शन बी में आप पूरा एक कंप्लीट मॉड्यूल का चॉइस कर सकते हो। तो ये था आपका एग्ज़ाम का पैटर्न। और अभी बस इस वीडियो के बाद ही आपकी जल्दी से जल्दी 12th क्लास की भी सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। और 10-12 वीडियो में आपका पूरा 12th क्लास का सिलेबस खत्म हो जाएगा। और इतनी ही वीडियोस में 10 वीडियो के अराउंड ही आपका क्या होगा, 10th क्लास का सिलेबस जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएगा। 10th क्लास का सिलेबस तो जल्दी होने वाला है, 3 मॉड्यूल हो गए हैं, 4 रह गए हैं। और अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो इस सीरीज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यकीन मानिए NOIS से मैं 7 ईयर से इस एग्ज़ाम्स की तैयारी करवा रही हूँ। फर्स्ट बार जिस मीट क्लासेस से जुड़ी हूँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। आप लोगों का सपोर्ट भी बहुत मिल रहा है, मेरे साथ जुड़े रहिए। और आपको फिर पता चलेगा, जो बाकी चैनल्स के टीचर हैं, मैं किसी की बुराई नहीं करूँगी, पर जो सिर्फ सिलेबस बता के कुछ मॉड्यूल करवाते नहीं है, मेरी वीडियोज़ देखिए, आप सारे मॉड्यूल आपके यहाँ कवर होंगे। एग्ज़ाम में आप देख के कहोगे वाह मजा आ गया। फिर अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।